नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आने वाली कुछ डेट यानी मार्च की कुछ डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है, क्योंकि इन डेट्स पे बोर्ड एग्ज़ाम और वो भी खासकर मैथ्स का बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है। चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, आने वाले कुछ दिन में मैथ का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि मैथ्स के पेपर को कैसे लिखा जाता है, किस प्रकार से पेपर का यानी आंसर जो आपको आंसर शीट होगी उसको किस प्रकार से प्रेजेंट करें या उसका प्रेजेंटेशन कैसा हो, जिससे हमें बिना कटे हुए मार्क्स मिले, यानी हर क्वेश्चन पे हमको फुल मार्क्स मिले, एग्जामिनर कोई भी मार्क्स हमारा नहीं काट पाए। ऐसी क्या तरीका, ऐसा क्या हमें करना चाहिए कि हमारे सारे क्वेश्चन करेक्ट जाए। मैं मैथ्स का एक टीचर होने के नाते और एग्जामिनर जो कापी चेक करते हैं वो होने के नाते आपको ये बताऊँगा कि एग्ज़ामिनर क्या देखता है आपकी कापी में और आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये दोनों जानकारी मैं आपको दूंगा ताकि आप अच्छे से अपना मैथ का पेपर लिखें और आपको अच्छे से मार्क्स मिले। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जो आपकी आंसर बुक है वो आपको 10 बजे सुबह 10 बजे मिल जाती है और 10:15 तक यानी 15 मिनट उसको फिल करने के लिए टाइम मिलता है, ठीक है, और उसके बाद पेपर मिलता है। तो आप क्या करें कि आपका जो 15 मिनट में जो फिल करने का काम, वैसे आपको मालूम है कि वो काम आप मुश्किल से 5 मिनट में कर लेते हो, यानी कि जो कापी की फिलिंग है, जो अपने को ओमार शीट भरनी रहती है, वो मुश्किल से 5 से 7 मिनट में भर लेते हो। तो आप 10 मिनट में उस काम को पूरा करिए और जो 5 मिनट बचते हैं उसमें आप अपने आप को शांत करिए, यानी कि मेडिटेट करिए। अगर आप 5 मिनट मेडिटेशन करेंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ। क्या होता है कि जब हम कोई टफ़ सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देते हैं तो हमें घबराहट होती है, हमें घबराहट महसूस होती है और उस घबराहट के कारण हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाता है, यानी ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। अगर हम 5 मिनट या 7 मिनट जितने भी मिनट आपको मिलते हैं अगर आप मेडिटेट करेंगे, अपने आप को शांत करेंगे, तो आपकी जो घबराहट है वो कम होगी और मेडिटेशन के कारण आपके शरीर को ऑक्सीजन मिलती रहेगी, क्योंकि ऑक्सीजन दिमाग के लिए यानी ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिले तो उसके जो टिश्यूज़ है वो एक्टिवेट नहीं होते और जब टिश्यूज़ एक्टिवेट नहीं होते तो आपका दिमाग सही से नहीं चल पाता। इस कारण से आपको 5 मिनट का मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए अब मैं बताता हूँ प्रेजेंटेशन की बात। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो एग्ज़ामिनर होता है वो क्या एक्सपेक्ट करता है अपने स्टूडेंट से, यानी जो स्टूडेंट की वो कापी चेक करता है क्या चाहता है कि स्टूडेंट किस तरह से लिखे ताकि उसके लिए आसानी हो। सबसे पहली बात जो एग्ज़ामिनर चाहता है वो चाहता है कि आप वर्ड टू वर्ड लिखें, मतलब फालतू में एलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हर क्वेश्चन को एलिब्रेट करते रहते हैं, यानी कि मान लीजिए चूज़ द करेक्ट का क्वेश्चन भी आए तो उसको भी सॉल्व करके बताते हैं। ये नहीं कि आप सिर्फ वो टिक लगा दें, ओनली ए बी सी को जो भी आपका आंसर है वो लिख दें, लेकिन कुछ लोग उसको भी सॉल्व करते हैं। तो फालतू का एलिब्रेशन करना ज़रूरी नहीं है, वर्ड टू वर्ड लिखें। और दूसरी बात कि नीट एंड क्लीन लिखें, जो भी आप जितना भी लिखें आप बिल्कुल साफ़ सुथरा लिखें ताकि उसको आसानी हो चेक करने में। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो पेपर में सीक्वेंस दी गई है उसको आप फॉलो करें। सीक्वेंस का मतलब ये नहीं कि आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में से ए पहले करना, ऐसा नहीं है। मेरा मतलब ये है कि आपके पेपर में जो क्वेश्चन नंबर डला है वही क्वेश्चन नंबर आप अपनी आंसर बुक में भी डालिए। होता क्या, कुछ लोग सोचते हैं कि डी सेक्शन वो कर रहे हैं और डी सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है तो वो उस वहाँ पर नंबर 1 डालते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। डी सेक्शन में जो क्वेश्चन नंबर 35, क्योंकि डी सेक्शन का पहला क्वेश्चन क्या आएगा, 35 नंबर का आएगा, तो 35 डालिए वहाँ पे, ना कि 1 डालिए, क्योंकि चेक करने वाले इंसान को पता होना चाहिए कि वो कौन से नंबर का क्वेश्चन चेक कर रहा है ताकि उसी टाइप के वो मार्क्स दे सके आपको। तो ये तो मैंने आपको बता दी कि जो एग्ज़ामिनर है वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या चाहता है। अब हमको क्या करना चाहिए, अब मैं वो बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि आप अपने एग्ज़ामिनर को यानी जो आपकी कापी चेक कर रहा है उसको किस प्रकार से इम्प्रेस कर सकते हो। इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, आपको क्या करना है कि पहले 4 से 5 क्वेश्चन वो चुने जो आपको उस पेपर में से सबसे ज़्यादा अच्छे से आ रहे हो। जो क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से आ रहे हो सबसे पहले वही क्वेश्चन करें, चाहे वो किसी भी सेक्शन के क्यों ना हो। क्योंकि होता क्या, जब 4-5 क्वेश्चन वो करेगा चेक एग्ज़ामिनर, तो उसके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि यार ये बंदा पढ़ने में अच्छा है, इसने सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से किए हैं, तो आगे के क्वेश्चन को वो उतने अच्छे से नहीं देखता है। ये तो हो गई पहली बात। जहाँ तक हो सके आप अपना पेपर
सेक्शन डी से ही स्टार्ट करें, और खासकर मैथ वाले पेपर में तो आपको करना ही चाहिए डी सेक्शन से स्टार्ट करें। अगर आप डी सेक्शन से स्टार्ट करेंगे तो अगर आपके कुछ क्वेश्चन छूटते भी हैं तो वो ए सेक्शन के या बी सेक्शन के छूटेंगे, जो कि बहुत कम मार्क्स के होंगे। इसलिए आप अपना क्वेश्चन पेपर डी सेक्शन से ही स्टार्ट करें। आंसर लिखने के लिए आपको केवल दो टाइप के ही या दो कलर के ही पेन यूज़ करना चाहिए, एक ब्लैक और एक ब्लू। ब्लैक पेन से जैसे कि आप हेडिंग डाल सकते हैं, फार्मूला लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं, ये काम आप ब्लैक से कर सकते हैं, और बाकी पूरा सोल्यूशन जो है वो आप ब्लू पेन से करिए। एक और ज़रूरी बात बताता हूँ आपको, अगर किसी क्वेश्चन में कोई क्वांटिटी गिवन है, जैसे मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दिया है जिसमें कि ए बी की वैल्यू इतनी है, बी सी की वैल्यू इतनी है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ सी है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन है सपोज़ करो, तो आपको जो भी गिवन क्वांटिटी है, गिवन वैल्यूज़ है, आप उसको पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते से ही आप उसको लिखिए कि ए बी इक्वल टू दिस, बी सी इक्वल टू दिस एंड सी ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका क्वेश्चन ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा सामने वाले को, उसको लगेगा कि ये बंदा जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ के आया है, सभी चीज़ों का उसको नॉलेज है। इसलिए आप अगर इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे तो सामने वाले के ऊपर उसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा। अगली बात, जहाँ पर ज़रूरी हो, या वैसे तो आपको मालूम है कि मैथमेटिक में फार्मूले की ज़रूरत अक्सर क्वेश्चन में पड़ती है, तो आप जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करें अपने जो गिवन है वो लिखें और फिर फार्मूला ज़रूर लिखें। और फार्मूले को अगर आप एक ब्रैकेट बना के लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। एक ब्रैकेट बनाइए और सिंस का साइन लगाइए और फार्मूला लिख दीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो डायग्राम है वो पेन से बना देते हैं ताकि वो ज़्यादा डार्क लगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो डायग्राम है, चाहे कोई सा भी डायग्राम है, आपको पेंसिल से ही बनाना चाहिए और डायग्राम जरूर बनाना चाहिए। अगला पॉइंट, आपका जब भी आंसर आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो और उसका आंसर जब आता है तो उस आंसर को आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में बंद करके रखिए। जैसे कि देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, उसका आंसर है एक्स इक्वल टू फाइव और वाई इक्वल टू थ्री। तो देखिए इसको इस तरीके से आपको बॉक्स के अंदर बंद करना है, जिससे कि एग्जामिनर की नज़र जल्दी से पड़ जाए और वो उसको टिक कर दें। इसके बाद आपको हर क्वेश्चन के एंड में, यानी जब क्वेश्चन समाप्त होता है, वहाँ पर आप एक लाइन ड्रा करिए। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रा की, ये क्वेश्चन मेरा यहाँ पे, जैसे सपोज़ करो ये मेरा क्वेश्चन है और यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त हो गया, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर दी। इस टाइप से आप लाइन ड्रा करोगे। तो चलिए, जो मैंने अभी आपको टिप्स बताई है, अगर आप उसका ध्यान रखते हो तो 100% आपके जो एग्ज़ामिनर है वो आपकी कापी से इम्प्रेस होंगे और आपको अच्छे से नंबर देंगे। आपके हर क्वेश्चन पे फुल मार्क्स आएंगे अगर आपने इन चीज़ों का ध्यान रखा तो। चलिए मैं आपको अब ये बात बताता हूँ कि कौन से सेक्शन को आपको कितने मिनट में, कितने समय में उसको कंप्लीट करना चाहिए, ताकि आप समय रहते हुए अपने पेपर को समाप्त कर पाएँ, अपने पेपर को एंड कर पाएँ। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं कि कौन से सेक्शन को कितना टाइम देना चाहिए, और वो क्वेश्चन को करे जाते हैं, लास्ट में ऐसा पता चलता है कि टाइम कम पड़ गया, उनके क्वेश्चन छूट गए। तो मैं आपको बताता हूँ किस सेक्शन को कितनी देर में आपको करना चाहिए। तो हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? डी सेक्शन से। अगर आप डी सेक्शन स्टार्ट कर रहे हो तो डी सेक्शन में 6 क्वेश्चन होते हैं और सभी क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन होते हैं, इसलिए आप हर क्वेश्चन को दीजिए 10 मिनट। तो 6 × 10 कितना हो जाएगा? 60। यानी फर्स्ट आवर में अगर आपने डी सेक्शन कर लिया तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, बात करते हैं हम सी सेक्शन की। सी सेक्शन में होते हैं 8 क्वेश्चन। हम चाहते हैं कि आप सभी क्वेश्चन को 8 मिनट दीजिए, क्योंकि ये भी कोई ज़्यादा छोटे क्वेश्चन नहीं होते। तो आप हर क्वेश्चन को 8 मिनट देंगे तो 8 × 64 1 hour और 4 मिनट में आप सेकंड जो सेक्शन है यानी सी सेक्शन है उसको भी आप फिनिश कर पाएंगे। यानी कुल मिला के आपने पहले 2 घंटे में, लगभग 2 घंटे में आपने 2 सेक्शन कंप्लीट कर लिए। अब बचा आपका बी सेक्शन। बी सेक्शन में ओनली 6 क्वेश्चन आते हैं और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, तो उन 6 क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को आप 4 मिनट देंगे तो 6 × 4 = 24 मिनट में आपका बी सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब बात आती है ए सेक्शन की। आपको मालूम है ए सेक्शन में सारे चूज द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, इस टाइप की क्वेश्चन आने हैं, तो उसमें तो मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगता आपको सॉल्व करने में यानी टिक लगाने में। तो मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन में आपने 20 मिनट लगा दिए, तो इस तरीके से आप पूरे, अगर देखा जाए, पहले के 60, दूसरे के 64, तीसरे के 24 और चौथे के 20 मिनट, इन सबको अगर ऐड करते हैं तो 2 hours and 48 minutes आते हैं। 2 hours and 48 minutes, इसका मतलब अभी भी आपके पास 12 मिनट बच चुके हैं। आपने सारा पेपर करने के बाद भी आपके पास कितने बचे हैं? 12 मिनट।
उन 12 मिनट में आप फिर से अपने पूरी कॉपी को रीचेक कर सकते हैं कि कहीं क्वेश्चन छूटा तो नहीं, आपने लाइन ड्रॉ की है कि नहीं, आप मैंने जैसे आपको बताया कि हर क्वेश्चन के आंसर में आपने रेक्टेंगल बनाया कि नहीं बनाया, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। आपने जो इंट्रीज की है, इंट्रीज तो कोई गलत नहीं की, सारी चीज़ आप उस 12 मिनट में देख सकते हो। तो कैसा लगा आपको वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको इस वीडियो में या इस जानकारी में किसी भी प्रकार की अगर कोई शंका है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हो। मैं आपके कमेंट्स का या आपके डाउट्स को क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा।